चलो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बीटी प्लांट्स के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो ये वाला चैप्टर है आपका इसमें दो पॉइंट आपके दो टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं पहला आता है आपका ये जो बी टी कॉटन वाला प्लांट है बी टी कॉटन के बारे में आज मैं बताऊंगी और दूसरा आर एन ए इंटरफेरेंस ये दो पॉइंट आपके इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं तो आज और अगले लेक्चर में आपको ये दो पॉइंट सीखने को मिलेंगे ठीक है तो आज हम बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में अच्छा पहले ये बीटी कॉटन आरएनए इंटरफेरेंस ये सब है क्या थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी इस वाले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ उपयोग है ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं इसमें ठीक है तो पहला उपयोग मैंने बताया था कृषि के क्षेत्र में आपको फिर बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में और भी बहुत सारी तरह बहुत सारी जगहों इसका इस्तेमाल होता है उन सारे का मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही क्लास में दे दिया था और बच्चों आप लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोग को बोर्ड पे वीडियोस बना के दूं तो एक्चुअली क्या है कि इस समय मैं घर से ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम जा नहीं पा रहे हैं ना आ, हम क्लासेस थोड़ी बंद हो गई हैं आ, बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से हमने क्लासेस छुट्टी कर दी है जिसकी वजह से हम क्लास नहीं जा पा रहे तो आपको बोर्ड पे टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे तब तक ऐसे ही पढ़ लो है ना आ, हमें तो पढ़ने से मतलब है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं बीटी के बारे में ठीक है बीटी कॉटन के बारे में और बीटी के जो जितने भी प्लांट्स हैं बीटी से, बी से रिलेटेड हम उन सारे को देखेंगे ठीक है तो चलो पहले देख लेते पहले एक आइडिया ले लेते हैं हम कर क्या रहे हैं हम बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यानी कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं हम और हम क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ठीक है हम बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंस है? क्रॉप्स मतलब कि पीड़क नाशी प्रतिरोधी फसलें यानी ऐसी फसलें जिसे हमें बाहर से कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड देने की जरूरत ना पड़े वो खुद में ही इतनी क्षमता रखती हो कि उस पर ऊपर किसी कीड़े का अटैक ना हो ठीक है जिस भी जिस भी पौधे को हमने आ, जिस भी पौधे को हमने पीड़कनाशी बना दिया यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया उसको बाहर से कोई भी आ, मतलब दवाइयाँ डालने की जरूरत नहीं पड़ती हैं कीड़ों से बचाने के लिए ठीक है आप देखते होंगे कि फसलों पे दवाइयों का छिड़काव किया जाता है कि उसमें कीड़े ना लगे तो साइंटिस्ट ने सोचा कि मतलब बाहर से हमें छिड़काव ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करें तो उन्होंने इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया एक तरीका था बी और दूसरा तरीका था आर इंटरफेरेंस इन दो तरीकों से उन्होंने क्या कह दिया कर दिया हमारी क्रॉप्स को यानी पौधों को ऐसा बना दिया कि उस पर कीड़े लगेंगे ही नहीं कमाल की बात है ना ऐसा हमने प्लांट को बना दिया कि उस पर कीड़े लगेंगे ही नहीं तो उसका दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है एक प्रक्रिया है बीटी कि बीटी की मदद से बनाएंगे और दूसरी प्रक्रिया है आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से ऐसे प्लांट्स हम बनाएंगे तो बी की मदद से ऐसे पौधे हम कैसे बनाएं जिस पे हमें नाशी डालने की जरूरत ना हो ठीक है यानी कि जो भी आपकी पेस्टिसाइड वगैरह है वो सब डालने की जरूरत ना पड़े तो आज हम बी के बारे में पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे आर इंटरफेरेंस के बारे में पहले बीटी प्रक्रिया पढ़ते हैं कि बीटी वाली प्रक्रिया क्या है जिससे हम पौधों को नाशी बना रहे हैं ठीक है नाशी प्रतिरोधी बना रहे हैं ठीक है मतलब कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना रहे हैं ठीक है पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं ताकि उसमें पेस्टिसाइड का जरूरत ना पड़े तो देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली बी बीटी का पहले फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि बीटी आखिर है क्या तो बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरेंजेनेसिस ठीक है बैसिलस थुरंजेनेसिस ये एक बैक्टीरिया का नाम है किसका नाम है ये एक बैक्टीरिया का नाम है मैं यहां पे लिख दे रही हूं आपके लिए ये एक जीवाणु का नाम है ठीक है जीवाणु का नाम है जीवाणु या बैक्टीरिया आप इसे कह लो एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरेंजेनेसिस जो बीटी नाम का एक विष बनाता है एक टॉक्सिन बनाता है ठीक है बैसिलस थुरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो बीटी नाम का एक टॉक्सिन बनाता है टॉक्सिन मतलब होता है जीव विष यानी जिसको खाने पे व्यक्ति की मौत हो जाए टॉक्सिन उसे कहते हैं विष या जिस, जिसे साधारण भाषा में आप जहर कहते हो तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जहर बनाता है आप ऐसे कह सकते हो ठीक है ये जहर बनाता है जहर किसके लिए बनाता है कीड़ों के लिए बनाता है ठीक है ये जो बैसिलस थुरजेनेसिस है वो एक तरह का जहर बनाता है जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं इसको आप कई जगह बीटी टॉक्सिन लिखा हुआ देखोगे यानी बीटी विष या बीटी प्रोटीन भी इसे कहा जाता है ठीक है लेकिन ये प्रोटीन कैसा है विष के रूप में है इतना आप याद रखना ठीक है तो ये जो जीवाणु है बैसिलस थुरेंजेनेसिस आपको इसका नाम याद रखना अच्छे से रख लेना और जब भी आप साइंटिफिक नेम रखते हो तो अंडरलाइन जरूर किया करो ठीक है अंडरलाइन किया करो जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हो तो अच्छा ये बैसिलस थुरेंजनेसिस एक तरह का जीवाणु है बैक्टीरिया है जो कि क्या बनाता है वो बनाता है बी टॉक्सिन ठीक है यानी बी जी जो एक तरह का जीव विष है वो बनाता है ये बी टी विश पनाक्ता कैसी है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक है देखो बी टी विश बनाने के लिए देखो कोई भी चीज़ मैंने आपको बार बार बताया है कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में बन रही है या किसी के भी बॉडी में बन रही है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन होना चाहिए तो ऐसे ही जो आपका जीवाणु है ये मान लो ये क्या है ये एक जीवाणु है अच्छा अच्छे से नहीं बनाया मैंने पर मान लो ये क्या है जीवाणु है इस जीवाणु के अंदर कुछ ना कुछ इसका क्या होगा डी एन ए होगा इस डी एन ए में कोई ना कोई जीन होगा जीन होगा जिस जीन की वजह से आपका क्या बन रहा है बी टी टॉक्सिन बन रहा है ठीक है इस जीन की वजह से क्या बन रहा होगा बीटी टॉक्सिन बन रहा होगा तो उस जीन का एक नाम दिया गया है उस जीन का नाम है क्राई जीन बहुत अच्छे से याद रखना क्राई जीन ठीक है मैं आपको हिंदी में भी लिख दे रही हूं क्राई क्राई जीन एक जीन है जिसके द्वारा क्या बनता है बीटी बनता है बीटी क्या है एक तरह का टॉक्सिन है जो बैसिलस थुरजेसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है ठीक है तो कौन बनाता है बैसिलस थोरेंजेनेसिस के अंदर एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं क्राइजीन इसी क्राइजीन की वजह से आपका बीटी टॉक्सिन बनता है ठीक है अच्छा अगर हम क्या करें मान लो ये हमारा बैक्टीरिया में हमारा ये जीन पाया जा रहा है इसको हम मान लेते हैं अपना डिजायर्ड जीन क्या मान लेते हैं डिजायर्ड जीन यानी कि वांछित डीएनए वांछित जीन भी आप इसे कह सकते हो वांछित जीन ठीक है कौन सा वाला जीन ये वाला जीन जो कि हमें क्या दे दे बीटी टॉक्सिन बना करके दे दे अगर मान लो इस जीन को हमने क्या कर दिया इस जीन को उठा करके हमने प्लांट में डाल दिया इस जीन को उठा करके कहाँ डाल दिया हमने पौधों में डाल दिया तो अब हमारा पौधा क्या करने लगेगा कीड़ों को मारने लगेगा जैसे ही कोई कीड़ा उस पौधे को खाएगा वो कीड़ा अपने आप मर जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि उसके अंदर एक तरह का विष बन रहा है एक तरह का टॉक्सिन बन रहा है जो कि कीड़ों को मारने वाला टॉक्सिन है ठीक है फिर से समझो देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि एक आपका जीवाणु है ठीक है एक आपका बैसलस uh, थुरेंजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया है जीवाणु है जो कि क्या बनाता है एक टॉक्सिन बनाता है ये टॉक्सिन किसके लिए बना रहा है कीड़ों के लिए बना रहा है ये टॉक्सिन किसके लिए है कीटों के लिए है या इंसेक्ट्स के लिए है ठीक है इंसेक्ट्स के लिए है ठीक है अच्छा ये इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिन बना रहा है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स मर जा रहे हैं हमारे मकसद क्या है हमारा मकसद ये है कि हम अपने पौधों में कीड़े ना लगने दें ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे इस बैसिलस बेसिल नाम की बैक्टीरिया से उस जीन को निकालेंगे जिसकी वजह से यह जीव विष बन रहा है ठीक है तो हमने क्या कर दिया उस जीन को बाहर निकाल लिया इसको हमने मान लिया डिजायर डीएनए और याद करो जब डिजायर्ड डीएनए हम किसी के अंदर किसी होस्ट के अंदर डालते हैं मैंने आपको ये पिछले चैप्टर में बताया था होस्ट यानी कि पर पोशी के अंदर डालते हैं ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस कहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे डिजायर्ड जीन बैक्टीरिया से निकाल लेंगे और वो जीन कौन सा है क्राई जीन है है ना कौन सा जीन है क्राई जीन है उसका नाम हम देख लिए क्राई जीन को हमने निकाल के हमने क्या कर दिया पौधों में डाल दिया यहां हमारा परपोषी कौन है पौधे हैं प्लांट्स हैं ठीक है प्लांट्स को बनाना है ना बेस्ट रेजिस्टेंट तो हमने क्या किया जीवाणु में से जीन निकाल करके कौन सा जीन क्राइजीन क्राइजीन निकाल लिया और उसको कहाँ डाल दिया पौधों में डाल दिया ठीक है इसकी वजह से क्या होगा अब उस पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे उस पौधे पे बाहर से हमें दवाइयों का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसा हमें देखने को क्यों नहीं मिलता ठीक है मिलता है बेटा आप जानते नहीं हो ठीक है बहुत जगह ये इस्तेमाल किया जाता है कौन कौन से पौधों के लिए ये बनाया जा चुका है देखो उन पौधों का नाम मैंने आपके लिए लिख दिया है बीटी कॉटन ठीक है जिस पौधे के अंदर हम बी ये क्राईजीन डाल देते हैं उसको हम बीटी कॉटन कहते हैं ठीक है बस इतना सा इसका मतलब है बीटी कॉटन मतलब इसमें बेसलेंस थूनने का इसका क्राइजीन आ चुका है इस कॉटन के पौधे के अंदर कॉटन को हिंदी में कपास कहते हैं ठीक है सूती कपड़ा वगैरह जिससे बनता है वो कपास कहते हैं उसे ठीक है दूसरा चीज है बीटी कॉर्न कॉर्न मतलब होता है मक्का मक्के के पौधों में भी हमने बीटी का इस्तेमाल किया है ठीक है और बीटी राइस धान के पौधों में भी कई तरह के धान बनाए गए हैं इससे जिसको बीटी राइस कहा जाता है बीटी टोमेटो पे भी बनाया गया है बीटी पोटैटो और बीटी सोयाबीन ठीक है इन सारे इन सारे प्लांट्स में हमने अभी तक क्या कर लिया है बीटी वाला जीन डाल चुके हैं वो बात अलग है कि ये इतना प्रचलित नहीं हुए हैं कि हर जगह मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सके पर हाँ हमने बना लिया है इस चीज को ठीक है तो बीटी कॉटन सबसे ज्यादा फेमस है और ये बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है जहां कॉटन वगैरह की खेती होती है ये अक्सर बीटी कॉटन वाली क्रॉप यूज की जाती है बाकी सारे का प्रचलन थोड़ा कम है इस समय लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसका भी प्रचलन बहुत ज्यादा हो ठीक है तो बीटी कॉटन बीटी कॉटन आपका मेन है आप उसको याद रखना और बाकी सब कैसे याद रखोगे एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लो ठीक है कि आ, आलू टमाटर सोयाबीन की सब्जी चावल के साथ और मक्के की रोटी के साथ खा लो ठीक है इस तरह से आप याद रख सकते हो आलू टमाटर सोयाबीन की सब्जी चावल और मक्के के साथ खानी है आपको ओके इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लो आपको याद रखने से मतलब है एग्जाम्पल्स तो ऐसे ही याद करते हैं ना तभी इकट्ठे याद रहते हैं तो आप कॉटन तो सबको याद रह जाता है बाकी सबका नाम भूल जाते हो तो हो सकता है आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन सा कौन से में हमने बी वाला जीन डाल चुके हैं तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए ठीक है ये तो बात हो गई एग्जाम्पल्स uh, की आप थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं कि बीटी काम कैसे करता है ठीक है कैसे मतलब प्लांट क्या क्या हो गया कैसे प्लांट पे अगर इंसेक्ट उसको खाएगा तो कैसे वो मर जाएगा उसकी पूरी एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमें पढ़नी है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी चिंता मत करो देखो होता क्या है एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन ऑन इंसेक्ट्स कैसे कीड़ों पे वो एक्शन करता है यानी बीटी टॉक्सिन किस प्रकार से कीड़ों पर प्रभाव डालता है वो चीज़ हम देख रहे हैं तो जो आपके आ, प्लांट्स होते हैं ना प्लांट्स के अंदर जो टॉक्सिन होगा वो कैसे होगा इनएक्टिवेटेड हो यानी कि उसको प्रो टॉक्सिन हम कहेंगे जब भी निष्क्रिय विष होता है तो उसको पाक जीव विष कहते हैं जिसके भी जिस भी आ, प्रोटीन के आगे पाक या प्रो लगा हो इसका मतलब समझ लेना वो निष्क्रिय है ठीक है जैसे ही कीड़ा इसे खाएगा ये किस में है प्लांट्स में पौधों के अंदर पौधों के अंदर ये क्या है निष्क्रिय है इसको मान लो पौधा है ठीक है प्लांट है ये पौधे के अंदर क्या है ये निष्क्रिय है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है जैसे ही इसको आप यू नो जैसे ही इसको कोई कीड़ा आएगा खाएगा ये मान लो ये क्या है ये हंसमुख सा कीड़ा आ रहा है ठीक है ये कीड़ा आके इसे खा लिया जैसे ही इस कीड़े ने इसे खाया तो जैसे इसके माउथ के अंदर जाएगा तो इसका जो माउथ होगा ना इसका जो आंत होंगी उसके आंत में क्या होगा एल्कलाइन पीएच होगा यानी क्षारीय पीएच होगा ठीक है आंतों का पीएच क्षारीय होता है जो भी आपकी माउथ है माउथ का पीएच क्षारिय होता है यानी कि बेसिक होता है अब बेसिक तो आप जानते हो ना एसिड बेस वो वाला चीज ठीक है तो जैसे ही ये इसके मुख के अंदर जाता जाता है है वो क्या हो क्षारिय पीएच के कांटेक्ट में आता है और ये इनएक्टिवेटेड से क्या हो जाता है एक्टिवेटेड हो जाता है जैसे ही कीड़ा खाएगा उसे टॉक्सिन क्या हो जाएगा एक्टिवेटेड हो जाएगा सक्रिय विष बन जाएगा सक्रिय होते ही क्या होगा इस प्रोटीन के मैंने कहा था टॉक्सिन क्या है प्रोटीन है तो आपको कई जगह प्रोटीन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा ये प्रोटीन विष के रवे ये रवे यानी कि क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं ना तो ये प्रोटीन के जो रवे होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं वह जो कीड़ा है हमारा कीड़ा की आंतों में जा के चिपक जाते हैं ठीक है ठीके? क्या होगा उसकी आंतों में जा के चिपक जाएंगे चिपकने से क्या होगा चिपकने से उन आंतों में छोटे छोटे से वो छेद बना देंगे और वो आते फूल जाएंगी और फट जाएंगी और आंतों के फटने की वजह से इस कीड़े की मौत हो जाती है ठीक है तो आंतों में एक आपका नाम दे रखा है मध्य आंत की उपकलीय कोशिकाएं यानी कि एपिथीलियल सेल्स ऑफ मिड गट जो आँते होती हैं ना आते के ऊपर जो कोशिकाए होती कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं को हम कहते हैं उपकलीय कोशिकाएं यानी कि एपीथीलियल टिश्यूज ओके एपीथिलियल सेल्स आप कह सकते हो जो कीड़ों की आते होती हैं आंत आंत तो आप जानते हो ना लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो आते होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं वो किस कोशिकाएँ की बनी होती हैं उपकलीय कोशिकाएं यानी कि एपिथीलियल सेल्स की बनी होती हैं उसी एपीथीरियल सेल में जाकर के ये प्रोटीन के क्रिस्टल जाके चिपक जाते हैं चिपकने की वजह से उसमें छोटे छोटे से छेद कर देते हैं जिसकी वजह से वो आँते फूल करके फट जाती हैं और फटने की वजह से उस कीड़े की क्या हो जाती है मौत हो जाती है फटने की वजह से कीड़े की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है जिसकी वजह से वो हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता ठीक है ये प्रक्रिया आप प्रक्रिया ज़रूर याद रखना एक आप माइंड बैम बना लो सिंपल तरीके से समझो जैसे ही कीड़े ने टॉक्सिन को खाया टॉक्सिन क्या हुआ एक्टिवेट हो गया सक्रिय हो गया सक्रिय होने से वो उसकी आंतों में जाके चिपक गया चिपकने के बाद उसमें छोटे छोटे से छेद कर दिया जिसकी वजह से आंतें फूल गई और फट गई फटने की वजह से उसकी क्या हो गई मौत हो गई बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है ठीक है अच्छा अच्छा एक और बात अब आपको याद रखनी है कि आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से तरह के क्राइजीन होते हैं ठीक है तो आपके एन में तीन तरह के क्राइजीन का नाम दे रखा है क्राइजीन जो होते हैं वो कई तरह के अलग अलग बैसिलस थुरंजनेसिस की नस्लों में अलग अलग तरह के क्राइजीन होते हैं तीन तरह के क्राइजीन दे रखे हैं आपके एनसीआरटी में क्राई वन क्राई जीन ऐसे लिखा जाता है क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी ये जीन का नाम है बेटा है ना नाम में तो कुछ नहीं कर सकते ना ये बस नाम है क्राई 1 एसी क्राई 2 एबी ये क्या करता है बोलवॉर्म यानी कि मुकुल क्रिम को कंट्रोल करता है ठीक है जो आपका कॉटन होता है ना कॉटन कॉटन की जो जहाँ से कॉटन निकलता है उसके फूलों में कॉटन बनता है ठीक है उसका जो मुकुल होता है यानी कि जो उसकी कली होती है उस कली में कीड़े लग जाते हैं कौन से कीड़े लगते हैं बोलवॉम, यानी कि मुकुल क्रीम यानी कि अगर हम उसमें क्राई वन ए, ए सी और क्राई वन टू ए बी वाला जीन डाल दें किसी पौधे में तो उसमें यह बोलवाम नहीं लगेंगे उसमें यह बोलवाम नाम के कीड़े नहीं लगेंगे ठीक है क्राई वन ए बी डाल दें तो उसमें मक्के में ये डाला जाता है और मक्के के जो स्टेम होते हैं उसमें छेद कर देते हैं कुछ कीड़े जिसकी वजह से मक्का का प्लांट खत्म हो जाता है तो उसमें ये वाले कीड़े नहीं लगेंगे अगर हम क्राई वन ए बी नाम का जीन डाल रहे हैं ठीक है जीन का अलग अलग नाम है बेटा बस और कुछ नहीं जो भी आप जीन डाल रहे थे उसका अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखा है क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी इन जीनों को आप डालोगे तो मुकुल क्रीम नहीं लगेंगे अगर क्राई वन ए बी डालोगे तो आपके मक्का के छेदक यानी कि कॉर्न बोरर नहीं लगेंगे ठीक है और एक बात आपको याद रखनी है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म है आपका बस एक बात और देखो, ये जो आपका बैसल थुरंजनसिस है ना इसकी कई तरह की नस्लें होती हैं कई जैसे मान लो ह्यूमन की ही हुआ हमी लोग हुआ हमारी कई तरह की नस्लें हैं जैसे इंडियन लोग हम लोग अलग होते हैं साउथ अफ्रीका में चल जाओ तो निग्रो वगैरह मिल जाएंगे फॉरेनर्स लोग अलग दिखते हैं हमारी अलग अलग नस्लें हैं ठीक है ऐसे ही बैसलेस थ्रेंजेनेसिस जो आपका जीवाणु है उसकी भी अलग अलग नस्लें हैं ठीक है अलग अलग नस्लें अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाती हैं क्योंकि उसकी उनमें अलग अलग क्राइजीन होता है ठीक है तो आपकी एनसीआरटी में कुछ नाम दे रखे हैं कि ये जो कीड़े हैं ठीक है कुछ ऐसे बैसलेस थ्रेंजेनेसिस होते हैं जो इन्हीं कीड़ों को मारते हैं सारे कीड़ों को नहीं मारते इसकी यही खासियत है कि सारे कीड़ों को नहीं मारेगा ये कुछ कीड़ों को मारता है कुछ स्पेसिफिक कीड़ों को मारता है लेपिडोपटेरियन नाम के कीड़े होते हैं जो कि होते हैं आपके टोबैको ये फैमिली है कीड़ों की ठीक है जैसे क्या होता है कि ह्यूमन को डिवाइड किया गया ना अलग अलग फैमिली में क्लासिफिकेशन में आप ये पढ़ते हो तो लिपिडोपटेरन्स जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं टोबैको बर्ड वाम और आर्मी वाम जिसे हिंदी में कहा जाता है तम्बाकू की कलिका कीड़ा और आर्मी वाम को किया जाता है कहा जाता है सैनिक कीड़ा ये कीड़ों के नाम है बस नाम आप थोड़ा सा याद रखो कोलियोबेरन्स कोलियोबेरन्स क्या होते हैं बीटल्स होते हैं भृंग होते हैं भौरा वगैरह आप जानते हो ना उस तरह के होते हैं और तीसरा जो है आपका तीसरे तरह के होते हैं डिपटेरेंस डिपटेरेंस मतलब होते हैं फ्लाइज और मॉस्क्यटो यानी कि मक्खी और मच्छर भी नुकसान पहुंचाते कई तरह के तो वो होते हैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो बी टॉक्सिन है ना वो जब बैक्टीरिया में पाया जाता है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार देता तो आप साधारण सी बात इतना ही कहोगे कि जो बैक्टीरिया है उसमें ये क्या रहता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है निष्क्रिय रूप में रहता है थीके? और ये जैसे ही कीड़ों के अंदर जाता है वो सक्रिय हो जाता है क्यों सक्रिय होता है एल्कलाइन पीएच की वजह से छारीय पीएच की वजह से ठीक है तो इतनी सी बात है आपकी बीटी कॉटन बीटी से रिलेटेड और बीटी कॉटन नाम इसमें ज्यादा पूछा जाता है ये जो हमने सारी प्रक्रियाएं पढ़ी है वो बीटी कॉटन के लिए पढ़ी है ठीक है तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूं बी आपका क्या है बैसिलस थुरंजेनिस है बैसिलस थुर क्या करता है ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि बी नाम का विष प्रोड्यूस करता है उस विष को अगर हम अगर हम उसको कोई कीड़ा खा ले तो उस कीड़े की मौत हो जाती है तो हमने क्या किया अब आपके बैक्टीरिया से वो जीन निकाल करके जो उस विष को बनाता था क्राई जीन वो निकाल करके हमने पौधों में डाल दिया ताकि पौधे ऐसा विष बनाने लगे जिसकी वजह से उन पर कीड़े ना लगें बस इतना सा हमारा मकसद था ठीक है और इस तरह से हमने अपने मकसद को अंजाम दिया बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ठीक है तो इतनी सी बात है आपके आ, बीटी कॉटन के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कल हम पढ़ेंगे आर इंटरफेरेंस के बारे में वो भी आपका किस लिए है पौधों को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए यानी कि पीड़क नाशी प्रतिरोधी बनाने के लिए लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग होगी इसमें हमने बैसलेस थ्रेंजनेसिस का इस्तेमाल किया है उसमें कुछ और इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप इस लेक्चर को पूरा देखा करो जो भी आपका ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही कम लेक्चर में खत्म हो जाएगा तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में